यस डियर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? ठीक? यस सर, आप बताओ। या फाइन बच्चे, फाइन, थैंक यू। चलो, सो फार सो गुड, एवरीथिंग शुड रिमेन गुड। एंड हाउ योर स्टडी इज गोइंग? कुछ स्पेंड कर रहे हो टाइम पढ़ाई में या घर के ज़्यादा काम? नहीं, लॉट ऑफ वर्क यू हैव टू डू एट होम ऑल्सो। या अभी बच्चा छुट्टी में आया, चलो वही तुम करो, ऐसा तो नहीं है? आई होप आपने अपना टाइम टेबल बनाया। अभी तो आपका काफ़ी टाइम निकल गया है, सो प्रॉब्ली कार्गो में भी वी हैव कवर्ड क्वाइट अ लॉट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू IMDG लास्ट वेयर वी लेफ्ट एंड विल कंप्लीट टुडे IMDG डेंजरस गुड्स। उसके प्रिकॉशंस वाइल लोडिंग डेंजरस गुड्स और फ्यू ऑफ दी थिंग्स दैट आई शो यू हाउ दिस DGL डेंजरस गुड लिस्ट लुक्स लाइक। EMS क्या होता है, MFAG क्या है, सेग्रीगेशन क्या है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो फार एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी ऑन द IMDG? एनी अदर क्वेश्चन किसी और टॉपिक पे भी? सर, एक कार्गो के पेपर में जो न्यूमेरिकल आता है पहला वाला टैंकर का, वो हम कब करेंगे? हाँ बच्चे, देखिए ऑलमोस्ट का ड्राई कार्गो खत्म हो जाएगा, वी स्टार्ट विद द बल्क। सो बल्क को भी मे बी 2 सेशंस एंड देन व्हेन वी स्टार्ट द टैंकर वर्क। ठीक है, टैंकर वर्क में बिफोर थ्योरी आई विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। पहले न्यूमेरिकल कर लेंगे फिर थ्योरी पढ़ लेंगे, सो दैट आपको आपके पास इनफ टाइम हो जाएगा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने का। ओके, सो प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ जुलाई है हमारे पास पूरा। ओके सर। या जुलाई मंथ आप के ऊपर थोड़ा सा सब सब्जेक्ट्स का प्रेशर भी आना शुरू होगा, सो साथ साथ एनीवे कार्गो में आई वोंट पुट एनी प्रेशर। इवन इफ यू पे गुड अटेंशन इन क्लास, सो वी शुड बी एबल टू अचीव एवरीथिंग। सो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, यहीं क्लास में ही करेंगे, सो यू शुड बी थ्रू विद दिस। ठीक है, सो मेरी भी इंटेंशन है आपको वो न्यूमेरिकल जितनी जल्दी मैं कराऊं ताकि आपके पास टाइम रहे उसको प्रैक्टिस करने का। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस प्रेजेंटिंग राइट्स। कुमार जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। Just waiting for to get this presenting right, so I open the slides and we start. So anyway, meantime we had discussed the DGL, the dangerous good list, basically 18 columns. And the moment I get the cargo, I get the UN number, I can enter this DGL volume 2. So presentation आपने देखी है, all these things का layout जो है, there are 3 books, volume 1, volume 2, volume 3. Or not volume 3, volume 1, volume 2 and your supplement, isn't it? एंड DGL जो है आपके वॉल्यूम 2 में दी होती है डेंजरस गुड्स लिस्ट।
18 columns, we enter with the UN number. So how it looks like? Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Thank you. Thank you. So this is what is DGL. This we have finished. This we have covered. So just to show you how it looks like. Dangerous goods list, if you see the volume 2, so this is old edition, but this thing is not much changes, the slight changes, but this is how it looks like. Part 3, dangerous goods list, and aapka ye column dikhenge, column 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, one page pe, aur isi ke saath jo dusra attached page hai, us pe. So you can see UN number, it is given serial wise, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0. Like this, so it is very easy. Whatever number I get, 1532 or 1223, I can immediately go to 1223. It is serial wise arranged. Can see the proper shipping name, class, division, subsidiary risk, if any, it will be indicated here. Packing group, they will write 1, 2, or 3. Limited quantities, instructions, IBC, and similarly the next columns, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. 18 again. This is the other side, right side page. वहाँ पे भी आपको UN number दिखेगा. अब EMS थी, emergency schedule, column 15 में. यहाँ पे आपको देखो कैसे लिखा है EMS. Guys can read how it is written. EMS example, हम किसी भी कोड का देखते हैं 004, UN number 004. So what he has written under EMS column, क्या लिखा उसने? Can you guys read? Yeah, you, dear, you guys can hear me? Yes, sir. You are audible. Yeah, देखिए जरा बताइए मेरे को EMS के सामने नीचे क्या लिखा है for this particular UN number 004 के लिए. What EMS is written there? Emergency schedule क्या दिखाता है? FBSY. ओके, सो या, सो सबके नीचे ये कोडेड फॉर्म में है FB एंड SX, FBSX, FB, FBSX, FBSY. सो दिस इज गिवन इन योर डेंजरस गुड्स लिस्ट अकॉर्डिंग टू द UN नंबर. सो अब हम देखते हैं इसको कि यार ये है क्या चीज़, EMS क्या चीज़ है, कैसे हमने देखना है. नाउ एमरजेंसी शेड्यूल, नाउ what is the meaning of emergency schedule? Emergency schedule means basically the purpose of this EMS guide is to provide information and guidance for dealing with fires and spillage emergencies involving packaged dangerous goods. If you are a duty officer, if you are loading dangerous goods, to kabhi aapke mann mein aaya, the guys who have been working on the container ships, they are carrying these dangerous goods. So duty officer ke saath aapne watch bhi rakhi hogi, and I don't know how many of you ever thought यार अगर ये इसमें लीकेज होती है या फायर होती है देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू. यही सोचा था कि आई वी विल कॉल चीफ ऑफिसर, ऐसा ही सोचा था. क्या कहते हैं, नो द पर्पस ऑफ दिस गाइड इज, जब आपने या जब आप ड्यूटी ऑफिसर बनोगे तब आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि जैसे आपके पास कार्गो आता है, यू नो द यूएन नंबर फ्रॉम दिस बुक, यू कैन सी व्हाट इज़ द एमरजेंसी शेड्यूल. मींस कौन सा शेड्यूल है, मतलब एमरजेंसी होती है, देयर इज अ स्पिलेज, वेरी कॉमन कंटेनर है उसमें कुछ भी स्पिलेज होनी शुरू हो जाती है, कुछ लीक करना शुरू कर देता है. इफ़ यू डू नॉट नो, इफ़ यू जस्ट रन कि हाँ जी यू टेक बोसन एंड टेक अ सॉडस्ट और समथिंग लाइक दैट, हाँ जी हम उसके ऊपर डाल देंगे या नीचे डिब्बा रख देंगे, दैट इज़ नॉट द वे. इट मे बी टॉक्सिक फ्यूम्स, कार्गो में भी टॉक्सिक, देयर में भी टॉक्सिक फ्यूम्स कमिंग, तो आप उसके नज़दीक गए तो यू मे फॉल फ्लैट. तो इसके लिए आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए. तो वो कहाँ से मिलेगा, दिस कॉलम, ये जो आपने देखा कि कॉलम 15 रेफर्स टू द रेलिवेंट एमरजेंसी शेड्यूल फॉर फायर एंड स्पिलेज इन द EMS गाइड, व्हाट वी कॉल द एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स फॉर द डेंजरस गुड्स.
So EMS schedule, there are 10 fire and 26 village schedules. So basically, ye hai kya dangerous goods list, column 15 in volume 2 contains references to the emergency schedules for spillage and fire for individual UN numbers. First code is fire schedule, jo aapne dekha wahan pe FB, but first is the for fire. In case there is a fire, tab aapne wo schedule pe jana hai. Second code is the spillage schedule. Ab aap wonder karoge yaar ye schedule kya cheez hai. Now, fire schedules, basically there are 10 fire schedules. Now how they look like, agar aap book kholiye, now if I show you this EMS guide, this is in supplement, so aapki teesri book hai, supplement jise kehte hain, uske andar aapko ye page dikhega, what we call the EMS guide, emergency response procedures. So if anybody asks you question, to ye very common, write short notes on EMS. So you have to write what is EMS, iski information kahan, it is in the supplement, and how it is laid down. Now what is this schedule? Schedule is nothing, it is just a sheet jiske upar instructions hain, guidelines hain, so that is called the schedule. So if you see this, now this is the emergency schedules for fire. So fire ke liye FA, FB, FC up to FJ, so there are 10 fire schedules from FA to FJ. So ये एफ ए में अगर आप देखिए, दिस इज जनरल एफ ए, दिस इज वन द एफ ए शेड्यूल. सो यू ओपन दिस सप्लीमेंट, यू लुक इट एफ ए, इसके अंदर जनरल कमेंट्स, कार्गो ऑन फायर ऑन डेक, तब क्या करना है, क्रिएट वाटर स्प्रे फ्रॉम एज मैनी होजेज, कार्गो फायर अंडर डेक, देन वॉट यू हैव टू डू, स्टॉप वेंटिलेशन, क्लोज हैचेस, कार्गो एक्सपोज टू फायर, डेंजरस गुड्स फायर पे नहीं है बट देर इज अ फायर क्लोज बाय, सो देन दीज गुड्स आर ऑल्सो एक्सपोज टू फायर, देन वेंट वॉट यू हैव टू डू, and special cases. So similarly FA, FB, if FB is applicable, जैसे हमने उस कोड में देखा था, तो इसके अंदर उसने सारी कमेंट्स दिए हैं, what all actions you are supposed to take. तो एक शीट है, you should either take a photocopy, office में लगा दीजिए, या आपको पता होना चाहिए. Exam के लिए you have to write that what is this emergency schedule. So basically this is what is written in column 15. It is given like in two forms. One is your for fire and second is for spillage. So 10 fire schedules FB to FJ dealing with particular group of dangerous goods. The schedule starts with general comments on the danger of cargo, followed by sections dealing with cargoes on fire on deck. So you should be able to remember this and write. Spillage ke liye 26 spillage schedules start with SA, spillage aids SA to SZ. तो वहाँ पे भी यही दिया हुआ है, जनरल सेक्शन जनरली कॉरस्पॉन्ड टू फायर शेड्यूल वंस, बट देर इज अ मोर डिफरेंशिएशन बिटवीन स्मॉल एंड लार्जर स्पिलेजेस. तो अगर आप इसका भी देखिए कि हाउ दिस स्पिलेजेस लुक लाइक, फॉर स्पिलेज शेड्यूल इफ वी गो फर्दर, दीज आर द फायर शेड्यूल्स, नाउ इफ यू सी द स्पिलेज शेड्यूल्स, ओके दिस इज द स्पिलेज, एमरजेंसी शेड्यूल्स फॉर स्पिलेज. उसी तरह से जैसे फायर का रेंज है, यहाँ पे भी एस ए, एस बी, एस सी, एस डी अप टू एस जेड. इफ यू ओपन वन ऑफ देम, एस ए स्पिलेज एंड शेड्यूल ए, इसमें भी वही जनरल कमेंट्स, स्पिलेज ऑन डेक, पैकेजेस स्मॉल स्पिलेज, कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट्स लार्ज स्पिलेज, कंटेनर्स पैकेजेस स्मॉल स्पिलेज, देन वॉट एक्शन यू हैव टू डू, एंड स्पिलेज अंडर डेक, देन वॉट एक्शन यू हैव टू डू. तो ये सारी की सारी एडवाइस एक्शंस इसके अंदर लिखे हुए. तो ओनली थिंग इज यू हैव टू नो वेयर टू फाइंड आउट एंड हाउ टू और व्हाट एक्शन टू टेक. सो यू हैव टू गाइड क्रू अकॉर्डिंगली व्हाट टू डू, नॉट दैट ब्लाइंडली जस्ट समथिंग इज फिलिंग, समथिंग इज कमिंग आउट विदाउट नॉलेज, विदाउट नोइंग, जस्ट सेंड समबडी देयर कि अच्छा अभी सॉडस्ट डाल दो, एंड दैट गाय ऑल्सो बिकम्स अ कैजुअलिटी. स्पेलिस्ट शेड्यूल्स आर लाइक दिस. मेडिकल फर्स्ट एड गाइड, now in case of emergency involving these goods, the MFAG in the supplement to the IMDG code should be referred. तो वहाँ पर भी है कि यस, अगर बाई चांस आपका कुछ स्पिल होता है, आपकी स्किन पर आता है, आइज में जाता है, कुछ डेंजरस गुड्स हैं, देन वॉट एक्शन टू टेक, वॉट टू डू. वैसे तो आप फर्स्ट एड कोर्सेज कर रहे हो, वहाँ पर भी आप पढ़ते होंगे, बट दिस गाइड अगेन इन द सप्लीमेंट,
There is a flow chart based emergency action and diagnosis. Flow chart kya hota hai? Yes, patient is breathing. Yes, then go to table 1. Not breathing, again go to table 2. Then if he is conscious or not conscious, उसे कहते हैं flow chart. And उसके सामने आपके tables हैं. Tables giving brief instructions for special circumstances. And इसके अंदर MFAG में और क्या दिया होता है? Appendices giving comprehensive information. List of medicine, drugs, or what all things you have to carry. So as a second officer, when you are in charge, so there are some additional medicines to be carried when you are carrying dangerous goods. उसकी लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए, वो medicines भी आपके ship पे होनी चाहिए. So MFAG table, इस table को भी अगर हम देखें इसी guide में, in this same, आपकी जो supplement है, ये तो हमने देख लिया, EMS, how it looks like, and if you see this medical guide, how this flow chart looks like, and what is the meaning of your tables, so वो भी आपका इसी में दिया है. MFAG, yes, side पे, आपके सारे pages के side पे लिखा होता है, so it is very easy to open this book. So this is called medical first aid guide in the supplement. So इसके अंदर भी अगर आप देखिए, first thing is the flow chart. Now what is flow chart? A flow chart looks something like this. This is your flow chart. Does the casualty need to rescue from a polluted atmosphere? Yes, go to table 1. No, then again, has breathing stopped? If it is yes, go to table 2 and 3. And if no, then again, third question, is the casualty unconscious? If yes, go to table 4. No, then again next question. So this is called the flow chart which is given there. So yahan se mereko kya milta hai? Yahan se I get the table, which table to enter, which table to go, which table to refer. So ye sare tables jo hain, if you see these tables, inme kya diya hua hai? Table 1, basically arrival at scene, quickly established exclusion zone, initial, what you are supposed to do, what all diagnosis, decontamination, या उस बंदे को क्या क्या जो भी आपको diagnosis and treatment, summary of treatment of casualties. तो आपने क्या treatment देना है, transfer to ships hospital, what all things you are supposed to do. So this is given in your MFAG. So MFAG table, basically what it contains, first aid medical guide for use in accidents involving dangerous goods, is a supplement to the code. After looking up for the MFAG table, see the table in MFAG, it gives likely signs, symptoms, treatment and other advice as per the effect of goods under that table. It suggests treatment in case of skin contact, by chance kuch aapke skin mein laga hai, to usko kya karna hai, kaunsi medicine lagani hai, eye contact, inhalation, indigestion, so jo bhi hai, the procedure for treatment are also mentioned. So ye to tha aapka emergencies, EMS and MFAG. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट वी कॉल सेग्रीगेशन, हियर वेयर दीज गुड्स टू बी प्लेस्ड ऑन द शिप. तो ये भी बहुत कॉमन रिटर्न का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट यू विल हैव दिस क्वेश्चन, व्हाट इज सेग्रीगेशन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेग्रीगेशन. सिंपल, वी आर लोडिंग डेंजरस गुड्स, डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो दे शुड बी केप्ट एटलीस्ट एट अ सर्टन डिस्टेंस. व्हाई? बिकॉज व्हेन द शिप इज मूविंग समथिंग कैन हैपन. इफ दीज गुड्स आर केप्ट क्लोज बाय, इफ दे मिक्स, so they can create a problem, they can create accident, they can create explosion, anything, fire, kuch bhi ho sakta hai. So iske liye these goods are to be kept at different classes, are to be kept at different places. So ye hame kahan se pata lagega ki how far they are to be kept? Jab ship hai to kuch na kuch to information honi chahiye. So first of all, the meaning of segregation. So question aapko aata hai, write short notes on segregation. So first is the meaning of segregation. Dangerous goods belonging to different classes cannot be stored together. They have to be segregated from one another, and the type of segregation depends on the properties or the substances in each class and the way they react with substances in each classes. So the extent of hazard arising from the possible reaction between the incompatible dangerous goods may vary, because har cargo ki apni apni chemical and physical properties. Iske liye such segregation is obtained by maintaining certain distances between the incompatible dangerous goods, or by requiring the presence of one or more steel bulkheads. अगर ज़्यादा ही dangerous है तो वो कहते भी नहीं,
दे शुड नॉट बी इन द सेम होल्ड, दे शुड बी इन द डिफरेंट होल्ड, बीच में बल्केट होना चाहिए। कई कार को इतने डेंजरस होते हो, कहते हैं नॉट ओनली वन टू बल्केट्स होने चाहिए। इफ़ यू गॉट फाइव हैचेज देन यू शुड लोड वन कार्गो इन नंबर वन एंड सेकेंड कार्गो नंबर टू में कुछ नहीं हो, नंबर थ्री में जाना चाहिए। एक बल्केट, दो बल्केट होने चाहिए, एक कार्गो होल्ड पूरा बीच में होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम द सेग्रीगेशन टेबल, कि कितने डिस्टेंस पे रखना है। नाउ दिस टेबल इज वेरी सिंपल, ऑल द क्लासेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक ऑन दिस एक्सिस एंड 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ऑन द वाई एक्सिस। सो अब अगर मेरे को कार्गो जो है 4.2 क्लास 4.2 इफ आई वांट टू कैरी विथ 4.1 और से 6.1, हमारे पास दो कार्गो हैं, वन इज बिलोंगिंग टू 6.1 एंड वन इज बिलोंगिंग टू क्लास 4.2। तो मैं इस टेबल पे देखता हूँ 6.1 एंड 4.2, तो मेरे को यहाँ पे 1 दिखता है ग्रीन कलर में। कैन ऑल ऑफ यू सी दिस, कैन ऑल ऑफ यू सी द सेग्रीगेशन टेबल? Yes, sir. ये समझना बच्चे थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये सेग्रीगेशन टेबल क्या होता है। बेसिकली ये सारी की सारी क्लासेस हैं, इसके अंदर ये टर्म्स हैं, व्हाट इज दिस 1, 2, 3, 4 आई विल एक्सप्लेन यू। सो यहाँ से हम पिकअप करेंगे, यार आई गॉट दिस टू कार्गोस, वन कंटेनर कंटेनिंग 4.2 अनदर कंटेनर कंटेनिंग क्लास 6.1। तो अब इन दोनों को मैंने कितनी दूर रखना है, कार्गो शिप है ओपन है या कंटेनर शिप है। तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ पे मेरे को 1 दिखता है, सो दैट मीन्स सेग्रीगेशन टर्म 1 इज एप्लीकेबल। वही कार्गो अगर मैंने 4.2 एंड दूसरा कार्गो 5.2 है, सो ये 5.2 एंड 4.2, तो मेरे को यहाँ पे आइटम नंबर 2 दैट मीन्स सेग्रीगेशन टर्म नंबर 2 एप्लीकेबल है। सो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट विच सेग्रीगेशन टर्म इज एप्लीकेबल। अब ये टाइप ऑफ सेग्रीगेशन है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड एक्स, तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो। नंबर्स एंड सिंबल्स रिलेट टू द फॉलोइंग टर्म्स एज डिफाइंड इन दिस चैप्टर। सो नंबर 1 मीन्स अवे फ्रॉम, नाउ इफ आई हैव टू कैरी 4.2 विद 6.1 देन इट इज अवे फ्रॉम इज एप्लीकेबल। इफ आई हैव टू कैरी 4.2 विद 5.2 देन सेपरेटेड फ्रॉम इज अवेल। सो दीज आर द सेग्रीगेशन टर्म्स, अवे फ्रॉम, सेपरेटेड बाई कंप्लीट कंपार्टमेंट, सेपरेटेड लॉन्गिट्यूडली बाई इंटरवीनिंग कंप्लीट कंपार्टमेंट। तो इनका मीनिंग क्या है, टाइप ऑफ सेग्रीगेशन अवे एंड दीज आर द फोर सेग्रीगेशन टर्म्स। सो इनका मीनिंग फॉर जनरल कार्गो शिप, फॉर कन्वेंशनल शिप जहाँ पे आप कार्गो होल्ड में डायरेक्टली कार्गो लोड कर रहे हो, वहाँ पे इनका मीनिंग थोड़ा अलग है। फॉर कंटेनर्स इनका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सो लेट्स सी फॉर द कंटेनर्स। सो कंटेनर्स में वो कहते हैं सेग्रीगेशन फॉर कंटेनर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दीज गुड्स आर कैरीड इन कंटेनर्स। सो अवे फ्रॉम का मीनिंग वर्टिकली वन ऑन टॉप ऑफ अदर परमिटेड, कि अगर आपने 4.2 एंड 6.1 है तो आप 4.2 के ऊपर 6.1 का कंटेनर वर्टिकली रख सकते हैं। फोर एंड हाफ नो रिस्ट्रिक्शन, कि 4.2 बे 3 में रख दिया एंड 6.1 का नेक्स्ट बे में रख सकते हैं। सिमिलरली अथॉर्डशिप ऑल्सो नो रिस्ट्रिक्शन, कि अगर आपने रोज अथॉर्डशिप बेसिकली रोज, सो 0-2 में रखा है, सो नेक्स्ट आप अपना उसके साथ 0-4 में भी ये वाला रख सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। बट इफ द टर्म कंटेनर में तो मोस्टली सर बस वही देखते हैं ना कि ऑन डेक रख रहे हैं या अंडर डेक रख रहे हैं। या बच्चे वो तो आपका आ जाएगा एज पर द डीओसी की ये वाली क्लास जो है, इट इज अलाउड अंडर डेक और ऑन डेक, वो तो आपके डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस में आ जाएगा। बट उसके बाद जो है कि अगर आपके पास सपोज मैंने डेक पर ही लोड करना, चलो हम डेक ही ले लेते, अब डेक पे मेरे पास दो क्लास के कार्गो आ गए 4.2 एंड 6.1। हाउ डू आई नो, कैन आई स्टोर 6.1 का कंटेनर 4.2 क्लास के ऊपर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, ये कहाँ से मेरे को पता लगेगा? ये कहाँ से पता लगेगा? फ्रॉम दिस सेग्रीगेशन टेबल। सो सेग्रीगेशन टेबल कहाँ दिया होता है, कौन से वॉल्यूम में है? Anybody? Volume 1. Yes, Volume 1, Chapter 7. Okay, so Chapter 7 में Transport Procedures, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो मैं वहाँ से ये Segregation Table देखता हूँ and यहाँ से मैं देखता हूँ 4.2, 6.1 away from Segregation Item 1, 1 means away from,
अवे फ्रॉम का मेरे को पता है कि यस वर्टिकली आई कैन कीप ऑन टॉप ऑफ एनदर, सो 4.2 के ऊपर 6.1 का कार्गो रख सकते हैं. अगर आइटम 2 इज एप्लीकेबल, सेग्रीगेशन टर्म 2 इज एप्लीकेबल, 2 मीन सेपरेटेड फ्रॉम, फिर मैं इसको वर्टिकली अप एंड डाउन नहीं रख सकता. 4.2 के ऊपर अब 5.2 है, 4.2 क्लास एंड क्लास 5.2, दो कार्गो दो कंटेनर मेरे पास हैं, तो वो कहता भी नहीं 2 मीन्स सेपरेटेड फ्रॉम, नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन. तो मैं 4.2 के ऊपर 5.2 नहीं रख सकता, 5.2 का कंटेनर नहीं रख सकता, 6.1 का रख सकता. 4.5 कंटेनर स्पेस. अगर मैंने 4.2 को रो 3 में या बे 3 में लोड किया है तो बे 5 में 5.2 नहीं होना. अवे फ्रॉम एंड सेपरेटेड फ्रॉम, एक बार फिर से सर डिफरेंस बता दिए दोनों. या अवे फ्रॉम, सेपरेटेड फ्रॉम, ये दीज आर द टर्म्स, दीज आर द बेसिकली सेग्रीगेशन टर्म्स. सो कंटेनर्स के लिए अवे फ्रॉम का मीनिंग है दैट वर्टिकली वन कंटेनर ऑन टॉप ऑफ अदर परमिटेड. 4.5 नो रिस्ट्रिक्शन, अथॉरशिप नो रिस्ट्रिक्शन. अदरवाइज जब हम कन्वेंशनल शिप्स पे जाते हैं तो आपको अगर समझना है तो कन्वेंशनल शिप्स के लिए ये है. अवे फ्रॉम का मीनिंग मे बी कैरिड इन द सेम कंपार्टमेंट और ऑन डेक प्रोवाइडेड अ मिनिमम हॉरिजेंटल सेपरेशन ऑफ 3 मीटर प्रोजेक्टेड वर्टिकल इज मेंटेन. तो वहाँ पे ये स्केच बनता है. दिस इज फॉर द जनरल कार्गो शिप्स, नॉट इन द नॉट ऑन द कंटेनर शिप्स. तो आपने ये पढ़ा होगा कि यस, ये टर्म्स आपने पढ़ी होंगी कि हाँ अभी भी ये दो कार्गो हैं, इनको मेरे को 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखना है, राइट फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप. इन बिटवीन मैं दूसरा कार्गो रख सकता हूँ, लोड कर सकता हूँ, बट ये जो दो कार्गो हैं ये 3 मीटर के गैप पे होने चाहिए. अगर मैं जनरल कार्गो शिप पे यही इफ दीज आर टू कंटेनर्स, कंटेनर शिप पे है तो फिर इसका मीनिंग बदल जाता है. फिर ये आ जाता है बिकॉज कंटेनर्स में तो है भी, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा जाना है. अथॉरशिप में उसको साइड बाय साइड रख सकता हूँ, फोर एंड हाफ साइड बाय साइड रख सकता हूँ कि नहीं. अंडरस्टूड सर? मतलब जनरल कार्गो में वर्टिकल डिस्टेंस कितना भी हो, आउटवर्ड जो डिस्टेंस उसका रहेगा वो 3 मीटर रहना ही चाहिए. यस, 3 मीटर. ये नहीं कि यहाँ मैंने नीचे 3 मीटर दे दिया और उसके बाद मैंने ये दूसरा कार्गो इसके ऊपर, नो. तो ऊपर तक आपका ये 3 मीटर का गैप होना चाहिए. यहाँ पे आप दूसरा कार्गो भर सकते हो, यू कैन टेक अनदर कार्गो, बट ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड वर्टिकली. मीन्स ऊपर तक इन दोनों कार्गो का, सपोज मैं यहाँ पे ये लोड कर रहा हूँ, हो सकता है मैं ये कार्गो लोड करता जाऊँ तो आपके पास इस कार्गो के साथ गैप होना चाहिए. चाहे मैंने यहाँ नीचे भी लोड किया है, अब यहाँ पे मैं कहूँ मैंने ये ब्लू वाला बॉक्स यहाँ पे लोड किया है एंड यहाँ पे आके मैं जब इस कार्गो को मैं लोड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ नज़दीक नहीं आ सकता. यहाँ पे भी ये पूरा का 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. ओके, वर्टिकली ऑल्सो दे शुड बी सेपरेटेड बाई 3 मीटर, ताकि बाई चांस ये अगर कार्गो लीक होता है इसके साथ मिक्स नहीं होना चाहिए. दैट इज द आइडिया. ओके, सेपरेटेड फ्रॉम इसका मीनिंग क्या है? कैन बी कैरीड इन द सेम कंपार्टमेंट इफ द इंटरवीनिंग डेक इज रेजिस्टेंट टू फायर और लिक्विड्स, अदरवाइज सेपरेट होल्ड्स. सो सेपरेटेड फ्रॉम का मीनिंग बदल जाता है कि या तो मेरी ये जो ट्विन डेक है ये वाटर प्रूफ है एंड फायर प्रूफ, नो लिक्विड कैन गो. बाई चांस इसमें से अगर कार्गो लीक होता है इट शुड नॉट पास, तब तो आप इसको ऐसे कैरी कर सकते हो. मोस्टली ट्विन डेक्स आर नॉट लिक्विड टाइट, इजंट इट? तो इसके लिए कहता है कंपार्टमेंट, दूसरे कंपार्टमेंट, ये दोनों एक कंपार्टमेंट में नहीं होने चाहिए. सो ये देखो ऊपर नीचे दोनों सेम कार्गो होने चाहिए, अलग अलग कार्गो नहीं. अब इसमें से ये लीक होता है इसके साथ मिलेगा, डजंट मेक अ डिफरेंस, सेम कार्गो है दोनों. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेपरेटेड फ्रॉम. तो इसके लिए आपने ये लिखना है कैन बी कैरिड provided this is there and on deck horizontal separation of at least 6 meters. Number 3 item क्या कहती है? Separated by a complete compartment or hold. अब ये strict हो गया, that means cargoes are dangerous. So अगर मेरे को segregation term 3 is applicable then there must be either a vertical or longitudinal separation by complete compartment or 2 bulkheads, means पूरा का पूरा hold खाली होना चाहिए. अभी देखिए पूरे होल्ड की स्पेस है, अगर तो ये डेक्स आपकी वाटर टाइट हैं, फायर प्रूफ हैं, तब तो आप इसको रख के, नाउ दीज आर जनरल कार्गो शिप्स में होता था, दिस इज लोअर होल्ड, लोअर ट्विन डेक, अपर ट्विन डेक. नाउ यू आर नॉट सीइंग इन कंटेनर शिप बट जनरल कार्गो शिप्स में दीज ट्विन डेक्स आर देयर. बट नॉर्मली अगर तो ये लिक्विड टाइट है, इसमें से अगर इसमें कुछ लीक होता है इट शुड नॉट गो एंड स्पिल ओवर हियर, देन इट इज पॉसिबल. इफ दे आर नॉट लिक्विड टाइट देन
ये कीप ओनली वन टाइप ऑफ कार्गो, देन फिर ये आपका ये पूरे होल्ड की स्पेस आ जानी चाहिए। एंड आइटम फोर, सेपरेटेड लॉन्गिट्यूडनली बाई इंटरवीनिंग कंप्लीट कंपार्टमेंट, वर्टिकल सेपरेशन इज नॉट अलाउड, पैकेज इज मस्ट बी हॉरिजेंटली सेपरेटेड बाई कंप्लीट कंपार्टमेंट। तो वर्टिकली तो आप इसके एक के ऊपर दूसरा रख ही नहीं सकते। एंड ऑन डेक अगर कैरी कर रहे हैं, हॉरिजेंटल सेपरेशन ऑफ एटलीस्ट 24 meters इज रिक्वायर्ड बिटवीन ऑन डेक एंड अंडर डेक। तो तब तो ये कंप्लीट है कि भाई यहाँ पे तो 24 meters का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन दीज टू कार्गोस, जो कार्गो यहाँ पे है और इसके अंदर, एंड लॉन्गिट्यूडनली एक पूरा कंपार्टमेंट वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर अलाउड ही नहीं। तो ये थी, अब यही चीज़ अगर आप देखिए तो कंटेनर्स में इसकी क्या मीनिंग हो जाएगी, कंटेनर्स में ये चेंज हो जाता है, आइटम वही है अवे फ्रॉम। सो कंटेनर्स वी विल दिस एप्लीकेबिलिटी अवे फ्रॉम मीन्स एक कंटेनर दूसरे के ऊपर नहीं रखना। सो यू हैव टू राइट दिस, सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन कि उसने आपको पूछा क्या है, वेदर ऑन कन्वेंशनल शिप। अगर कुछ नहीं लिखा उसने कि एक्सप्लेन द सेग्रीगेशन एंड व्हाट आर द वेरियस सेग्रीगेशन टर्म्स, मेक नीट स्केचेस एंड शो, देन यू कैन शो व्हाट एवर यू फील इजी, चाहे कंटेनर्स का दिखा दीजिए चाहे आप कन्वेंशनल शिप का दिखा दीजिए। इसके लिए मैंने इतना मैसेज भी किया था ना, शीर्षक जी अपना माइक म्यूट कर लेंगे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी बेसिकली द सेग्रीगेशन अवे फ्रॉम सेपरेटेड इनका मीनिंग, एंड वर्टिकली फॉर कंटेनर्स ऑफ कोर्स आइटम थ्री, सेग्रीगेशन टर्म थ्री, सेपरेटेड बाय कंप्लीट कंपार्टमेंट मींस वर्टिकली नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, एंड फोर एंड आफ्ट वन कंटेनर स्पेस एंड वन बल्कहेड अंडर डेक, एंड अ थॉट शिप टू कंटेनर स्पेस और वन बल्कहेड। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस नंबर फोर के लिए। इफ दिस रिस्ट्रिक्शन इज एप्लीकेबल, दिस सेग्रीगेशन टर्म मीन्स टू डिफरेंट कार्गोज टू बी सेपरेटेड बाय सेग्रीगेशन टर्म फोर, देन कंटेनर का नंबर 3 वाला दिखाना एक बार वापस। हाँ जी, कंटेनर का नंबर 3 वाला, कंटेनर का नंबर नंबर 3 अभी तो सेपरेटेड लॉन्गिट्यूडनली कर रहे हैं ना सर। हां यस, या बाय कंप्लीट कंपार्टमेंट और होल्ड, दैट मींस vertically not in the same vertical line unless separated by a deck. So, अगर आप under deck कर रहे हो, suppose आपके पास twin deck है, बीच में deck का space है, then you can load in vertical line. Otherwise, of course, container ships, we don't have any decks in between. So, simple meaning vertically not in the same vertical line. Fore and aft direction में one container space on deck and one bulkhead when under deck. Under deck अगर हम load कर रहे हैं तो आपने इनको different holds में load करना है, on deck कर रहे हैं तो कहता है one container space. अगर आपने एक container bay 3 में load किया है तो दूसरा आपको bay 7 में load करना पड़ेगा, bay 5 में एक container space, means आप general cargo container load कर सकते हो bay 5 में उसी line में, but तो different cargo है 5.2 का है या 6.1 का है, उसको आपने बेस 7 में ले जाना है, 3 के बाद 5 की स्पेस होनी चाहिए। एंड अ थॉट शिप टू कंटेनर स्पेस, सो थॉट शिप मींस जैसे आपकी रोज है तो एक कंटेनर मैंने रखा है, सो दूसरा कंटेनर दो कंटेनर स्पेस छोड़ के होना चाहिए। सो दिस इज आइटम 3। एंड सेग्रीगेशन टर्म 4 वर्टिकली तो टोटली प्रोहिबिटेड, किसी भी हाइट पे चाहे डेक है कुछ भी है, नॉट एट ऑल अलाउड। फोर एंड आफ्ट मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 24 meters ऑन डेक एंड 24 meters और वन बल्कहेड अंडर डेक। सो फोर एंड आफ्ट में कम से कम 24 meters का डिस्टेंस होना चाहिए। अथॉट शिप प्रोहिबिटेड, किसी भी रो में एक टाइप का आएगा और उस रो में कहीं पे भी चाहे वो एक्सट्रीम है 2-4 कंटेनर स्पेस छोड़ के नथिंग, टोटली प्रोहिबिटेड। सो ये तो हुई आपकी सेग्रीगेशन की, सेग्रीगेशन का मीनिंग, and segregation says that certain distance is to be kept, and ye information kahan se milegi, from segregation table. So you have to explain the meaning of segregation, segregation table,
एंड फिर सेग्रीगेशन टर्म्स। तो आपने ये देखना है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्या क्या पूछा है, उसको कैसे लिखना है। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है या समटाइम दे विल आस्क यू, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा वो पूछते सेग्रीगेशन स्ट्रेट वे, हैव सीन द पीपल स्टार्ट मेकिंग, दे स्टार्ट विद दिस इमीडिएटली अवे फ्रॉम, आंसर ओनली स्टार्ट्स लाइक अवे फ्रॉम एंड फिर ये स्केच शुरू हो जाता है। अरे पहले सेग्रीगेशन का मीनिंग बताइए। सेग्रीगेशन मीन्स दिस दिस दिस, दिस कार गोज टू बी कैप्ट एट सर्टन डिस्टेंसेज, एंड इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम द सेग्रीगेशन टेबल। सेग्रीगेशन टेबल विल टेल अस दैट हाउ फार दीज टू डिफरेंट क्लासेज आर टू बी कैप्ट, एंड उसके अंदर फिर दिस वेरियस सेग्रीगेशन टर्म्स आर। अगर वो क्वेश्चन पूछता है डिस्क्राइब विद स्केच द वेरियस सेग्रीगेशन टर्म्स यूज इन IMDG code, then you can start the various segregation terms used are so and so on the conventional ship. So ये पढ़ना है, उसने conventional ship पूछा या container ship पूछा। Okay, I hope this is clear. Yes sir. चलो good. So ये तो हो गया कि आपकी, अब आ गई आपकी documentation कि चलो various documents, थोड़ा सा इसकी भी हमें knowledge होनी चाहिए कि यार documents क्या क्या इसके साथ आते हैं, क्या क्या जरूरी है। As a duty officer, if I am loading, so what should I know about this documents? So, सबसे पहले तो है document of compliance. Document of compliance क्या चीज़ होती है, कि the ship is approved, ship is certified to carry these cargoes. So it is issued by the, again the flag state, जहाँ भी आपका ship registered है, through the classification society या जो भी है, वो आपकी चीज़ें देखेंगे, they see all the equipment which is required for these टाइप ऑफ क्लासेस। अगर शिप में है धंधे से कि अच्छा भाई धंधे इशू यू दिस सर्टिफिकेट व्हाट वी कॉल द डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस, इसके अंदर वो सारा आपको दिखा देगा दैट विच ऑल क्लासेस यू कैन कैरी एंड वेयर यू कैन कैरी ऑन डेक और अंडर डेक, एंड क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए आपको वो भी इसके अंदर लिखा होता है कि यस दिस इक्विपमेंट द शिप इज इक्विप्ड विद, सो देन आई एम हैप्पी, देन आई कैन कैरी दिस क्लासेस। सो DOC विल सर्टिफाई द शिप कंप्लाइज विद रेगुलेशन 54 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ SOLAS, limited for 5 years, issued by flag state after a survey, and document is usually in the form of diagram showing all the spaces on board in which DG can be loaded, and table also sets out the classes ki kahan kahan pe kaun si class under deck, kaun si class on deck, kaun si class not allowed, ye sab aapka isme likha hoga. Aur kya diya hota hai document of compliance mein, additional requirements, that is इन केस सम एडिशनल फायर फाइटिंग। अभी आपने शिप किया है, थर्ड ऑफिसर के साथ काम किया होगा, यू मे हैव सीन सर्टन एक्स्ट्रा व्हाट वी कॉल दिस फायर फाइटिंग अप्लायंस SCBA फॉर DG कार्गो, केमिकल सूट्स, 4 केमिकल सूट्स फॉर DG कार्गो। सो इफ यू आर कैरिंग दिस, तो आपके पास ये एडिशनल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी होना चाहिए। ओके, so appendix to this document contains information indicating class wise locations and stowage, ये सारा भी आपको दिखाया जाता है। नाउ ये तो हो गया डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस। अब डेंजरस गुड्स लिस्ट और मैनिफेस्ट। नाउ DG मैनिफेस्ट क्या होता है, इसके अंदर आपको उसकी डिटेल दी हुई है। मैनिफेस्ट इज सेट आउट अकॉर्डिंग टू दिस, इट इज मैंडेटरी एंड इट शैल बी फाइल्ड ऑन बोर्ड। नाउ DG मैनिफेस्ट में क्या है, ईच शिप कैरिंग DG और मरीन पॉल्यूटेंट शैल हैव अ स्पेशल लिस्ट और अ मैनिफेस्ट। नाउ इस मैनिफेस्ट में अगर आप देखिए तो बेसिकली इट लुक्स लाइक दिस, प्रॉपर शिपिंग नेम, UN नंबर, क्लास, UN नंबर, वेदर इट्स अ मरीन पोल्यूटेंट और नॉट, ये सारी डिक्लेरेशन होनी चाहिए आपके मैनिफेस्ट। नंबर ऑफ काइंड ऑफ पैकेजेस, उसका वेट कितना है 200 kg, कंटेनर नंबर, उसकी स्टोवेज, तो ये सारा आपका DG मैनिफेस्ट में लिखा होना चाहिए फ्रॉम द शिपर साइड। शिपर जो आपको देता है ही विल गिव यू। सो दिस मैनिफेस्ट कम्स फ्रॉम द शिपर, जिसका कार्गो है उसी को पता है क्या कार्गो का नाम है, क्या उसका UN नंबर है, क्लास कौन सी है, एक्सेप्ट स्टोवेज उसको नहीं पता होगी, वो कॉलम खाली है, वो स्टोवेज चीफ ऑफिसर देगा, ही विल राइट। अनदर थिंग इज डेंजरस गुड्स डिक्लेरेशन। नाउ दिस इज ऑल्सो अ साइन स्टेटमेंट और साइन सर्टिफिकेट दैट द कंसाइनमेंट एज ऑफर्ड फॉर कैरेज इज प्रॉपरली पैक्ड, मार्क्ड, लेबल्ड और प्ले कार्डेड। अब आप एक फैक्ट्री चला रहे हो, आपकी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप डेंजरस गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अब आपने इनको कहीं और भेजना है, दूसरी कंट्री में भेजना है, तो यू आर सेंडिंग दैम ऑन द शिप, तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा
बिफोर यू गो टू एनी एजेंट बुकिंग एजेंट कि भाई मेरे को ये कार्गो यहाँ से यूएस भेजना है, सो ये भी लास्ट क्योंकि सबसे पहले तो ये गुड्स हैं क्या, यूएन नंबर, पूरा डिटेल, और उसके साथ आपका ये डेंजरस गुड्स डिक्लरेशन इज अ साइन स्टेटमेंट दैट दीज गुड्स विल बी प्रॉपरली पैक्ड, मार्क्ड, लेबल और प्ले कार्डेड एज पर द आईएमडीजी कोड. सो दिस डिक्लरेशन में भी कंबाइंड विद कंटेनर पैकिंग सर्टिफिकेट ऑल्सो कि भाई दिस गुड्स आर पैक्ड ऑल्सो एज पर द इंस्ट्रक्शन इन द आईएमडीजी कोड. तो उसके अंदर भी जो आपकी जो डेंजरस गुड्स लिस्ट है जो शिपर आपको दे रहा है उसमें आप उसको ये सारा डिक्लेयर करना पड़ेगा. क्या क्या होगा, इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स, प्रॉपर शिपिंग नेम, यूएन नंबर, हैजर्डस क्लास, पैकिंग ग्रुप. यहाँ पे पैकिंग ग्रुप भी आ गया कि कौन सा पैकिंग ग्रुप है, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री. एंड ऑल्सो इफ देयर इज एनी सब्सिडरीज, वेदर इट्स अ मरीन पॉल्यूटेंट और नो. तो ये सारी डिक्लेरेशन आपकी डेंजरस गुड्स की डिक्लेरेशन फ्रॉम द शिपर विल कम. एंड 24 आवर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें होना चाहिए. Isn't it? So I'll send you copy of this also, dangerous goods की जो डिक्लेरेशन है कैसे दिखती है. सो इट इज साइंस, कल को कुछ होता है तो शिपर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि उसने लिख के दिया है कि दे हैव बीन प्रॉपरली पैक्ड एंड दे हैव बीन ऑथोराइज फॉर द सी ट्रांसपोर्टेशन. तो ये आपकी डेंजरस गुड्स डिक्लेरेशन जो कि हम शिप में एक कॉपी चीफ ऑफिसर के पास होती है, कीप इट फाइल करके रख. एमरजेंसी रिस्पांस इंफॉर्मेशन भी वो उसके ऊपर लिख देगा. ईएमएस गाइड नहीं भी है, अगर मेरे को यूएन नंबर भी देता है आई कैन गो टू द बुक एंड आई कैन फाइंड आउट एवरीथिंग. नाउ अपडेटेड डेंजरस गुड लिस्ट, अब आपने शिप पे लोड किए हैं तो सारी की सारी कहाँ कहाँ कौन सी लोकेशन में आपने डेंजरस गुड्स लोड किए हैं उसकी आपके पास एक सेपरेट डीजी प्लान या डीजी लिस्ट होनी चाहिए. तो बेसिकली कंटेनर शिप्स पे वेरी इजी, जस्ट क्लिक अ बटन एंड यू गेट द डीजी लिस्ट जिसमें ओनली डीजी कंटेनर ही शो होंगे. सो एज अ थर्ड ऑफिसर यू आर सपोज टू पुट दिस लिस्ट इनटू द फायर वैलेट्स ऑल्सो गैंगवे के पास, अपडेटेड वन, ये नहीं कि पुरानी वाली जो लेटेस्ट है, बिकॉज हर पोर्ट में कार्गो लोड भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा, डीजी लोड भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा. सो अपडेटेड डेंजरस गुड लिस्ट ये भी वहाँ पे होनी चाहिए, व्हाट वी कॉल द डीजी कार्गो स्टोरेज प्लान. ब्रिज पे भी होनी चाहिए, नोटिस बोर्ड पे भी होनी चाहिए, प्लस फायर वैलेट्स में भी होनी चाहिए. समटाइम दिस पीपल कम पीएससी एंड ऑल द फर्स्ट थिंग दे चेक नियर द गैंगवे यू आर कैरिंग डीजी कार्गो, जरा प्लान दिखाइए. वहाँ पे पुरानी होगी तो आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो ये तो आपका रहा डॉक्यूमेंटेशन. अब आपका आ जाता है बेसिकली अगर मैंने इसकी स्टोरेज करनी है तो व्हाट ऑल प्रिकॉशंस आई विल टेक. तो ये प्रिकॉशंस में अगर आप देखिए तो लेट्स गो टू द प्रिकॉशंस व्हेन लोडिंग, प्रिकॉशंस व्हेन लोडिंग अनलोडिंग डीजी. अब जब एक बार आपके पास कंफर्म हो गया, वंस कंफर्म टू लोड द शिपर्स डिक्लेरेशन मस्ट बी ऑब्टेन. शिपर्स डिक्लेरेशन इज एक्चुअली इंफॉर्मेशन, बिकॉज आज हम एनी कार्गो व्हेन वी लोड, बिफोर आई लोड कार्गो आई शुड हैव द इंफॉर्मेशन कि ये कार्गो है क्या, इसके साथ क्या क्या डेंजर्स एसोसिएटेड है, देन ओनली आई कैन टेक प्रिकॉशन, इजंट इट. तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, जैसे मैंने आपको कहा था इफ आई आस्क यू टू कैरी सम सूटकेस फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली तो यू शुड आस्क, आई शुड टेल यू. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इसके अंदर है क्या, सूटकेस में है क्या, वॉट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. So same thing is on the ship. If I have been offered to transport this cargo, so I should know here cargo hai kya, iski properties kya hai, dangers kya hai. Then I can take the precaution. Shipper's declaration includes basically we have seen. Ab humne dekh liya ki declaration mein kya kya hoga. UN number, class, container number, net weight, statement that the goods have been packed properly. Ye sara hona chahiye. And ye sara इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं अपनी बुक्स कंसल्ट करता हूँ, आईएमडीजी कोड को कंसल्ट करता हूँ, वहाँ से भी मैं उसकी प्रॉपर्टीज प्रिकॉशन जो है वो पढ़ूंगा. देन आई कम टू द आइडेंटिफाई द ईएमएस एंड एमएफएजी कि यार इसमें एमरजेंसी शेड्यूल इसको क्या क्या वैलिड है, इन केस ऑफ एमरजेंसी व्हाट शुड आई डू. सो ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड मेडिकल फर्स्ट एड गाइड इन केस स्पिलेज होती है या किसी के ऊपर ये कुछ कार्गो गिरता है या किसी की आंख में या पेपर्स इनहेल करते हो तब मैंने क्या एक्शन लेना है वो भी मैं चेक करूंगा.
from the supplement. And any special equipment such as medicines, safety equipment, gas detector, etc. required, they should be also on board prior loading this medicines. जैसे मैंने आपको कहा certain medicines are required, तो वो भी मेरे को देखनी है, isn't it? So those medicine also I should be able to confirm. So chief officer जो है second officer को पूछेगा कि हाँ भी बताइए क्या क्या medicines आपके पास हैं और उसकी लिस्ट होती है. तो ये भी नहीं है समटाइम आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या है, व्हेन यू आर कैरिंग दिस गुड्स लॉट ऑफ पोर्ट्स लॉट ऑफ पीपल कम समटाइम पीएससी कार्गो ब्यूरो कार्गो सेफ्टी कोई ना कोई चला ही रहता. तो वो क्या देखते हो, कार्गो नहीं देखेंगे, दे विल आस्क यू सिंपल कि यस भाई ओके आर यू कैरिंग डीजी कार्गो, यस कौन सी क्लास है, ये लो ये लिस्ट है, और दे विल सी कि ओके कैन वी सी योर इक्विपमेंट. तो उसके पास भी आपकी लिस्ट होगी कि हाँ यू आर सपोज द शिप इज सपोज टू हैव दिस. हो सकता है आपका फायर फाइटिंग अप्लायंसेज जो एडिशनल वाले हैं ओनली फॉर द डीजी, वो भी चेक कर सकते. देन विल से कि चीफ और सेकंड डू यू हैव द मेडिसन्स एक्स्ट्रा मेडिसन्स, फिर आपको उसको दिखानी पड़ेगी. सो दे वॉन्ट दैट द शिप्स आर रनिंग इन सेफ मैनर, कि ऐसा नहीं है कि खाली बुक में लिख दिया और शिप्स आर नॉट कैरिंग एनीथिंग, शिप्स आर नॉट कंप्लाइंग विद द कोड. सो ये उनकी जो टेंडेंसी है रहती है. सो ये चीज़ आपने भी देखनी है. गैस डिटेक्टर्स, सो यू गाइस हैव वर्क्ड विद चीफ ऑफिसर, सो आपने देखा होगा चीफ ऑफिसर मेंटेन्स ऑल द इन्वेंट्री ऑफ दिस गैस डिटेक्टर्स, मल्टी गैस डिटेक्टर, ऑक्सीजन एनालाइजर एंड साथ में उनकी कैलिब्रेशन. इक्विपमेंट तो है बट इज इट कैलिब्रेटेड और नॉट, इज इट वेरीफाइड, इट इज गिविंग करेक्ट रीडिंग, अदरवाइज यू विल डाई, यू विल किल योर सेल्फ, इजंट इट? सो ये चीज़ भी आपने देखनी है व्हेन यू आर कैरिंग द डीजी कार्ड. नाउ प्लान द स्टोरेज एज पर द कोड एंड कंप्लाइंग विद वेरियस रिक्वायरमेंट्स. कि आई हैव टू एंश्योर एज अ ड्यूटी ऑफिसर दैट दिस कार्गोज आर लोडेड एज पर द प्लान. जहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंगली जिस स्लॉट में है कंटेनर वहीं पे लोड हो रहा है. ये नहीं कि प्लान कहीं और किया था, लोड कहीं और हो गया, अरे डेक पे ही तो है कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. नो सेग्रीगेशन. इसके लिए डीजी कोड डीजी कंटेनर जब लोड होंगे सो एज अ ड्यूटी ऑफिसर यू आर एक्सपेक्टेड टू बी देयर. सो प्लीज बी देयर दैट यू एंश्योर दैट इट इज लोडेड इन द प्रॉपर स्लॉट जहाँ पे इसको जाना है. एंड कंटेनर्स आर डिफरेंट क्लासेस टू बी सेग्रीगेटेड, वो हमने पढ़ लिया. तो ये सारी आपकी प्रिकॉशंस आएंगी. वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट ऑल प्रिकॉशंस व्हेन लोडिंग डेंजरस गुड्स. प्रायर लोडिंग एंश्योर ऑल इमरजेंसी इक्विपमेंट इन रेडी स्टेट, इजंट इट? सो इमरजेंसी इक्विपमेंट तो होगा ही होगा आपका, एंड स्पेशली नो स्मोकिंग नथिंग. सो डीजी गुड्स होंगे, नो बंकरिंग, नो स्टॉप, नो स्मोकिंग, ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट बी टेकिंग प्लेस. दैट डिपेंड्स. अब ये नहीं क्लास 9 लोड करें तो हम बंकरिंग बंद करा दें, मिसलिनियस है, जो ज़्यादा डेंजरस नहीं है, isn't it? So that is only in case of your explosives and all. If you are loading class 1, then I will take more little stringent precautions. नहीं भाई, पूरे शिप पे कोई स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, बंकरिंग भी नहीं होनी चाहिए, कोई हॉट वर्क नहीं होना चाहिए, isn't it? आपका यूज ऑफ VHF, ऑफ कोर्स रेडार्स एंड ऑल नॉट अलाउड इन द पोर्ट नाउ डेज, बिकॉज दे डोंट अलाउ दैट रेडार्स टू बी, बट इन केस बाई चांस इफ यू आर कैरिंग आउट रिपेयर्स और ट्राइंग आउट एनी थिंग, सो यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज उनमें से एनर्जी निकलती है. अभी आपने आई डोंट नो रेडार के बारे में पढ़ा होगा, यूज तो किए हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे. सो इट इज ट्रांसमिटिंग हाई इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, isn't it? सो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम अगर बाई चांस कुछ लीक हो रहा है. तो वो भी आप पॉइंट लिख सकते हो, नो VHF ट्रांसमिशन. मोबाइल्स कहने को हम सब कहते हैं पेट्रोल पंप्स में मोबाइल्स नॉट टू बी यूज्ड, बट नोबडी बॉदर्स, बट एटलीस्ट ऑन द शिप डेफिनेटली वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. सो जब भी हम लोड कर रहे हैं सो वी विल मेक श्योर ऑल इमरजेंसी इक्विपमेंट एवरीथिंग इज इन रेडीनेस एंड ऑल दीज अदर प्रिकॉशंस आर फॉलोड. सो इसीलिए कहते हैं कि दीज गुड्स डेंजरस गुड्स टू बी लोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर. Because he knows, he has studied, so he will ensure that nobody is doing anything. अगर आप अंदर कैबिन में बैठे रहोगे डीजी लोड हो रहा है तो nobody will take precaution. जैसे ठीक है स्मोकिंग भी करेंगे स्टीवी डोर्स किनारा वाले, उनको क्या पता है,
99% श्योर पीपल हैव नो नॉलेज कि यार डेंजरस गुड्स होते हैं, क्या कर क्या सकते. एंश्योर कंटेनर इज स्टोर्ड इन प्लान स्लॉट एंड इट इज प्रॉपरली मार्क्ड एंड लेबल्ड. देखा, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, लेबलिंग बहुत जरूरी है. आजकल बताया था मैंने आपको, जैसा पर्सनल फाइन कि वेयर अ ड्यूटी ऑफिसर एंड इफ द सेफ्टी पीपल और द कार्गो ब्यूरो पेपर फ्रॉम शोर कम, स्पेशली इन यूरोपियन साइड वेरी कॉमन. सो दे विल आस्क यू वेरी सिंपल यस एंड दे सी, इफ दे डू नॉट सी एनी प्रॉपर मार्किंग और लेबल स्टिकर देन दे कैन फाइन यू पर्सनली. आपको 100-200 यूरो आपसे ले सकते. Why? Because they want their people to be safe. Stevie Rose करेंगे, अगर कंटेनर में है ही नहीं, they will say अच्छा ठीक है, they will start smoking. So ये चीज़ भी आपने इंश्योर करनी है कि the container is properly labeled, उसके ऊपर लेबल लगा है. So इसकी प्रिकॉशन कहाँ ले सकते हैं, लोडिंग पोर्ट पे, isn't it? डिस्चार्जिंग पोर्ट पे आप डिस्चार्ज कर रहे हो, तब तो जब लेबल ही नहीं है तो और प्रॉब्लम आ जाएगी. सो लोडिंग पोर्ट यू गॉट टू बी very very careful that the container is properly marked. Visually check container for any damage, leakage, heat emission, smoke, fumes, kuch bhi agar aapko dikhte hain, reject, no. Inform chief officer, warm master, yes sir, there is a problem, DG container hai, isn't it? So information jo hai wo hamesha immediately jani chahiye, nahi hai ki isme kuch fire ho gaya, kuch ho gaya, nobody knows on this and you are alone fighting. No, never do that. सिक्योर द कंटेनर वेल, कि अगर आपके पास लोडिंग हो गई है, सब कुछ हो गया प्रॉपरली, देन कम्स द सिक्योरिंग. नॉट डी जी कंटेनर के लिए लैशिंग जो है, प्लीज़ चेक योर सेल्फ दैट इट इज़ प्रॉपरली सिक्योर. ये नहीं है कि रोलिंग में कंटेनर स्टार्ट मूविंग एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. प्रिपेयर द डिटेल लिस्ट, डी जी मार्क लोकेशन इन द स्टोरेज प्लान एंड देन कैरी आउट रेगुलर ड्रिल्स एंड इंस्ट्रक्ट द क्रू. नाउ आप नहीं कैरी आउट कर रहे, चलो चीफ ऑफिसर आपको प्लान करेगा, बट टुमारो यू आर गोइंग टू बी इंचार्ज ऑफ द बोट, इंचार्ज ऑफ दी स्टेशंस. तो आपने क्रू को ट्रेन करना है. भाई वी आर हैविंग डी जी, इसके लिए आपके पास ये लिस्टें लगी हुई हैं कहाँ कहाँ डी जी कार्गो है. सो वैन वी आर कैरिंग डी जी कार्गो, प्लीज डू नॉट स्मोक, मेक श्योर नो हॉट वर्क कैरीड आउट नियर दिस डी जी कार्गो. तो ये सारा आपको उनको भी एजुकेट कराना है, अपने आप भी पढ़ना है और उनको भी बताना है, सो दैट दे डोंट डू एनीथिंग विच कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑन द शिप. चेक लैशिंग फ्रीक्वेंटली विच बट वी डू, ऑब्टेन वेदर रिपोर्ट्स एंड नेविगेट विद प्रूडेंस. मीन्स अब आप ब्रिज वॉच पे हो, अभी आपको पता होना चाहिए कि यार देयर इज अ डेंजरस कार्गो, तो शिप जो है एक्सेसिवली रोल नहीं करना चाहिए. सो दिस इज व्हाट बेसिकली दैट यू नेविगेट. सो ये तो आपकी थी प्रिकॉशंस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग. एंड इन केस रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट, अगर बाई चांस आपकी वॉच में कुछ होता है, कोई कार्गो पानी में चला जाता है या सेलिंग टाइम में सम कंटेनर इज लॉस्ट और सम गुड्स आर लॉस्ट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, देन एज पर सोलास वी आर सपोज टू रिपोर्ट. सो आप नहीं रिपोर्ट करोगे, ऑफकोर्स एवरी कम्युनिकेशन इज थ्रू द मास्टर, सो शिप इज अंडर ऑब्लिगेशन when an incident take place involving the loss or likely loss overboard of dangerous goods in packaged form into the sea, the master shall report particulars of such an incident without any delay to the fullest extent possible to the nearest coastal state. So ye bhi, so now you know, port mein bhi agar by chance kuch leakage hoti hai, something goes in the water, theek hai, cleaning to hame karni padegi, to hame wahan port ko bhi batana padega ki bhai kuch na kuch leakage hua hai. So something is gone. So that's why, of course, in port we don't allow. हमारे सब स्कपर्स वगैरह बंद होते हैं, we have the stopper. तो कुछ होता भी है तो we can immediately stop that, isn't it? So this is the whole idea. So in the event of the ship referred to in paragraph being abandoned, or in event of report from the such ship being incomplete, the owner, charterer, manager, operator, अगर आपका ship by chance नीचे भी जाता है, पानी में जाता है, देन ऑल्सो द ओनर इज सपोज टू ऑपरेट कि भाई इस जहाज के अंदर कितना डेंजरस कार्गो था, तो ये उनको पता होना चाहिए. ड्यूटी ऑफिसर व्हेन ही डिस्कवर्स एन इंसिडेंट और एक्सीडेंट हैज टू इमीडिएटली रेज अलार्म, इन्फॉर्म द मास्टर रिगार्डिंग द सेम, एंड क्रू ऑन डेक शुड बी द फर्स्ट टू रेंडर असिस्टेंस एज वेल एज स्टार्ट क्लीन अप ऑपरेशंस एंड ट्राई टू मिनिमाइज सो दैट नथिंग गोज ओवरबोर्ड. दिस इज व्हाट वी डू. सो दिस इज व्हाट
we are supposed to take precautions. So this is, these are the basic precautions what you are supposed to take for the dangerous goods. Chalo, theek hai? Any questions from anybody? क्या कहते हो, ऑल गुड? या चलो बच्चे, मैं इसके आपको नोट्स भेज दूंगा, सो इट इज क्वाइट डिटेल्ड, बट उसमें से आपने, आपके पास सब क्वेश्चंस के आंसर इन्हीं नोट्स में से मिल जाएंगे, इजंट इट, कि डेंजरस गुड्स हैं क्या एंड हाउ वी आर टू कैरी, व्हाट ऑल प्रिकॉशंस वी आर सपोज टू टेक, एंड लोडिंग डिस्चार्जिंग के टाइम में क्लासिफिकेशन. सो वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट यू हैव ओपन दिस प्रीवियस सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आप उसके थ्रू पढ़ रहे हो. सो जैसे जैसे आप पढ़ते हो उनमें से क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपको समझ नहीं आता, प्लीज़ ब्रिंग इट हेयर सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स. ओके, ठीक, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी? नथिंग, चले, दैट्स ऑल फॉर द डे देन. थैंक यू सर. चलो, ओके डियर, ओके, वेलकम. ठीक है, मैं इसके नोट्स, हैव आई सेंड यू द नोट्स और? सेंड कर दिए सर. चलो, भेज दिए तो बच्चे पढ़ लीजिए, ठीक है? तो दो तीन क्वेश्चन वेरी कॉमन है, पास्ट पेपर्स में देखोगे तो उनको भी अच्छी तरह से आपने पढ़ना है, अच्छी तरह से स्केचेस बनाने हैं. कुछ भी समझ नहीं आता प्लीज़ लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. सो दिस विल कम्प्लीट आर दिस थिंग एंड इसके साथ ही मैं आपको एक सेफ पोर्ट वॉच का भी भेज दूंगा, दैट इन केस यू आर कीपिंग अ पोर्ट वॉच एंड यू आर कैरिंग डीजी कार्गो, देन सारी यही प्रिकॉशन है बेसिकली. व्हाट वी हैव रिटन देयर इज एवरीथिंग व्हाट यू आर कीपिंग इन अ वॉच. जब आपने वॉच करनी है एंड डीजी कार्गो कैरी कर रहे हो तो वो सारी यही प्रिकॉशन आ जाएंगी, व्हिच इज लोडिंग डिस्चार्जिंग. बट इवन देन आई विल सेंड यू द अदर नोट्स ऑफ हाउ टू कीप द कार्गो वॉच में क्या क्या आपको चेक करना है, तो उसको भी पढ़ लीजिए. कार्गो वॉच क्या होती है, ब्रिज वॉच तो आप पढ़ ही रहे हो, इजंट इट, BUQ में. तो यहाँ पे कार्गो वॉच के टाइम में क्या क्या देखना है वो भी छोटे से स्मॉल वेरी कॉम्पैक्ट नोट्स मैंने बनाए, वो भी आपको भेज दूंगा. प्लीज़ गो थ्रू दिस एंड एनी डाउट्स लेट मी नो. चलो, ओके, बाय. ओके सर, थैंक यू सर.